हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप लोगों का सेवन स्टार किचन पर स्वागत है। बेसन की सेव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन ले लिया है। अगर ग्राम्स में नापा जाए तो ये 150 ग्राम बेसन है। 1/2 चम्मच इसमें हम नमक मिला देंगे। नमक आप इसमें अपने स्वाद अनुसार मिलाएं। 1/4 चम्मच इसमें हम हींग डालेंगे। 2 पिंच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच इसमें हम खाने वाला तेल डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये जो हमारी बेसन की सेव है, ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और इसे हम कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अभी दिवाली भी आने वाली है तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। इसे आप डायरेक्टली चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं या फिर जो भी हम चाट वगैरह बनाते हैं उसमें भी ये सेव डाली जाती है। ये देखिए, डो हमारा रेडी हो गया है। कुछ इस तरीके का डो हमें चाहिए होगा, ना ही बहुत ज़्यादा थिक चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लूज चाहिए। जैसा आपको दिख रहा है कुछ ऐसा ही चाहिए। इसे बनाने में मुझे लगभग 1/2 कप पानी लगा है। अब ये सेव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मशीन ली है और ये सेव बनाने के लिए हमें एकदम बारीक वाले सांचे का यूज़ करना है। इसकी ऑयलिंग करके इसे हम यूज़ करेंगे ताकि जब हम सेव निकालें तो सेव निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ये देखिए, हमारी जो प्लेट है इसे भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मशीन के सभी पार्ट्स में हमने अच्छे से ऑयल को लगा लिया है। अब हम हाथों में भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हमने जो बैटर रेडी किया है उसे इस तरीके से लोई बनाएंगे और लोई बनाकर इसे हम मशीन में डाल देंगे। मशीन को हमने फिल कर लिया है। मशीन को अब हम बंद करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए होगा और फ्लेम को मैंने अभी तक हाई रखा था, लेकिन जब हम सेव इसमें डालने जाएंगे तो फ्लेम को लो कर देंगे ताकि जब हम सेव निकाल रहे हैं तो हाथ में आँच ना लगे। ये देखिए, तेल में जाते ही जो सेव है बहुत ही अच्छे से फूल रही है क्योंकि जो तेल है हमने अच्छे से गर्म रखा है। हाथ को हटाते यानी मशीन हटाते हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसे हम बहुत ही हल्के हाथों से चलाएंगे और एक साइड से इसे अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो सेव अब एक साइड से पक गई है। इसे अब हम पलट के दूसरी साइड से भी पका लेंगे। दोनों साइड से इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। ये देखिए, हमारी जो सेव है अब पक गई है। देखने से ही पता चल रहा है कि क्रंची और क्रिस्पी हो चुकी है। तो इसे अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसे पकने में बहुत ही कम समय लगता है तो इसे मैंने यहाँ पर एक टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है ताकि टिश्यू पेपर में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए, सभी सेव मैंने फ्राई करके निकाल ली हैं। देखने में कितनी सुंदर दिख रही हैं। इन्हें सर्व करने से पहले हम हाथ से इस तरीके से इन्हें तोड़ लेंगे ताकि जो इनकी शेप है वो थोड़ी छोटी हो जाए, जैसे कि मार्केट में मिलती है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एकदम हाइजीनिक तरीके से और एकदम अच्छे तेल में ये सेव बनाकर खा सकते हैं। और अभी दिवाली भी आने वाली है तो आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा।